हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अतरंगी रे तो अतरंगी रे फिल्म का जो हिंदी और तमिल वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी साथ ही में स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म का एक डिटेल रिव्यू होने वाला है जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन की जाएगी इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम डीप में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहेगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे ये 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्जन में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नज़र आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल, एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीबी प्लस होस्टन इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में है अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिश्वा आशीष वर्मा डिंपल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पार्थि गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारी मुथु, जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुए एडिटिंग हेमल कोठारी ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न दो हज़ार के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रै जी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल राय जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए करीबन थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर से जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए और सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर इर्शद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लीडिक, लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रंजना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफ़ी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल राय जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसीडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमियो के, के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश के उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का शेड्यूल बीस दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोशन बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज़ के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था अली खान डिम्पल हयाति के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शाद कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्साद कामिल ने लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण सिसादरी और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और सस्ा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवा गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा विश्वाप को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकि मेंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शुकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मतादीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोल आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की मां का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी मारू मत्थो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाती का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीलेश सिन्हा आपको हॉस्टल मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेट का उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्राइंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक्क कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरिट किया हुआ है अनकनवेंसनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते हैं कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोवरिस्टिक नेचुरल नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैमी अपीरेंस देते स्पेशल अपेरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे अफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग

उनका वो आपको जरूर तुरंत कनेक्ट कर लेगा उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफी ज्यादा मजबूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज़ का जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नज़र आएगा वहीं पे प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का, का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इंप्रेसिव वे में किए हुए फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म मजबूत है फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और नई नजर आई अनोखी है जिसको आप शायद लेटर एक्सेप्ट कर लोगे कुछ ऑडियंस को वो सभी चीज़ें थोड़ी खलेगी अदरवाइज परफॉर्मेंस शानदार है स्टोरी अच्छी है स्क्रीन प्ले बढ़िया है और ये सभी चीज़ें फिल्म जब रिलीज़ हुई सब भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी सराही थी जहाँ पे 24 दिसंबर 2021 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया हुआ था जिसके राइट्स डायरेक्टली खरीदे हुए थे डिजनी प्लस होस्टा ने जिसने काफ़ी करोड़ों रकम दे के इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ टी टी पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफ़ी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते एक्टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसी वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आई पे भी इस फिल्म, भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पर अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होटस्टार ने अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अतरंगी अतरंगीरे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में मैक्स वालों ने खरीदा के लिए तो टेलीविजन के ये फिल्म अतरंगी रे नाम के साथ, सोनी के ऊपर ऊपर फिल्म नाम साथ बिल्कुल फ्री में जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहां पे दो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्में और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्ज़न में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है वो थोड़ा अनोखा नजर आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डिरेक्ट अनद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए हैं जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म्स कलर येल्लो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रब प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिशवा आशीष वर्मा डिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पातिगोला, गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु, जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेश सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुई एडिटिंग हेमल कोठारी ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड मनु रिटर्न्स 2015 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल राय जी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल राय जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए करीबन थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिशिस्ट के तौर पर इर्साद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद का ये सेकंड कालेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एलराइजी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एहराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमरे के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश के उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहाँ का शेड्यूल बीस दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोषण बाकी था वो कंप्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था अली खान डिम्पल के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शात कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्सात कामिल नहीं लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण सिसाजरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवां गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा बिश्वाब को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदकिन मेंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है शोकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ विजय कुमार ने मतादीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोला आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की मां का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी मारूमत्थो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही डिम्पल हयाती का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीलेश सिन्हा आपको हॉस्टलमेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्रायंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्नस के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक्क कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स की, की परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है अनकन्विशनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते हैं कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोवरिस्टिक नेचुरल नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैम्यू अपीरेंस देते स्पेशल अपीरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वेफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग थी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सीमा बिश्वा आशीष वर्मा टिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भांटी झा विजय कुमार जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं उनकी नेचुरल रो परफॉर्मेंस फिल्म को और बेहतर बनाती है जो अनकन्वेंशनल प्लॉट था उसको और इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहते डायरेक्ट जिस तरह से सभी चीजों को नेरेट किया हुआ है उसमें जो धनुष फिल्म, फिल्म कर उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे मामले में फिल्म काफी ज्यादा मजबूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नजर आएगा वहीं पर प्रोडक्शन हाउस काफी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान काफी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इंप्रेसिव वे में किए हुए फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस क्रिस्मर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म

दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ टी टी पे डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफ़ी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते एकटर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसेस वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आईएमडीबी एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे अतरंगी रे फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होटस्टार ने अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सेटेलाइट पर देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अतरंगी अतरंगीरे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में मैक्स वालों ने खरीदा हुआ टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर साथ के उपर, हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे दो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्में और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा, अतरंगी रे नाम दिया गया था ज, वहीं पे तमिल वर्ज़न में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्ज़न में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्ज़न में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फेंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नजर आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रबी प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिशवा आशीष वर्मा डिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक भंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पार्थि गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु, जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुई एडिटिंग हेमल कोठारी ने की हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए है और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविजन के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रैजी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर साथ कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रंजना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल राय जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमेज के, के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कंप्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का शेड्यूल 20 दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोर्सन बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनोला खान डिम्पल हयातिक के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शाद कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्सात कामिल ने लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और सस्ा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवां गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा बिश्वाब को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकिनी मेंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है शोकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मत्ता दीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोला आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु के मां का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी तो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाती का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथ मेंडी के मां के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्राइंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्त रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्नस के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक्क कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरिट किया हुआ है अनकन्वेंशनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचेज भी देखने को मिलते हैं कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोरिस्टिक नेचुरल ने, नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैमी अपीयरेंस देते स्पेशल अपीरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे इफेक्स थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आ, आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग थी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सीमा बिश्वा आशीष वर्मा रिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भांटी भांटीजा विजय कुमार जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं उनकी नेचुरल रो परफॉर्मेंस फिल्म को और बेहतर बनाती है जो अनकन्वेंशनल प्लॉट था उसको और इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे थे डायरेक्ट

फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज़ का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नज़र आएगा वहीं पे प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए रहमान का, का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इंप्रेसिव वे में किए हुए फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म

अनुवजन के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओटीटी पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विश सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते एक टस की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसिस वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पर एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीब पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्टार ने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अतरंगी अतरंगीरे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सोनी मैक्स वालों ने खरीदा हुआ है टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तो टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म अतरंगी रे नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से अतरंगी रे फिल्म आप सैटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015-15 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल राय जी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पर उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल राय जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर इर्शाद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था एआर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफ़ी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल राय जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उनसे बीच अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमरे के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए परसन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे ये 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा, अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्जन में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नज़र आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए हैं जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल, एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्री प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिश्वा आशीष वर्मा डिम्पल हयाती पंकज झा अशोक अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पार्थि गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारी जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुए एडिटिंग हेमल कोठारी ने की हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए है और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न दो के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रै जी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल रैजी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिशिस्ट के तौर पर इर्साद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एलराइजी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझणा फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफ़ी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एलराइजी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पर अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमेज के, के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में ही सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का सीरियल 20 दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोषण बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनोसला खान डिम्पल हयाति के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शद कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्सात कामिल नहीं का। लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण सिसादरी और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवां गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा विश्वाप को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकि ने मिंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है शुकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मतादीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोला आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की माँ का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी पर आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाती का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टल मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्राइंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पे वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक्क कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है अनकन्विशनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोवरिस्टिक नेचुरल नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक केमियो अपीरेंस देते स्पेशल अपेरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे अफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग थी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सीमा बिश्वा आशीष वर्मा टिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भांटी झा ने विजय कुमार जैसे कहीं बेहतरीन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं उनकी नेचुरल रो परफॉर्मेंस फिल्म को और बेहतर बनाती है जो अनकन्वेंशनल प्लॉट था उसको और इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहते डायरेक्ट

फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नजर आएगा वहीं पे प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान काफ़ी का शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इंप्रेसिव वे में की हुई फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म

वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओटीटी पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफ़ी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते एक्टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस सॉलिड परफॉर्मेंसेस वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आईएमडीबी एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फेंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है वो थोड़ा अनोखा नजर आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म कलर येल्लो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रब प्लस होस्टा ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिशवा आशीष वर्मा डिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पातिगोला, गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारी जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेश सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुए एडिटिंग हेमल कोठारी ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रैजी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक, बाद एक बार फिर आनंद एल रैजी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए करीबन थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिशिस्ट के तौर पर एरसात कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था एआर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रंजना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमरे के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया के, उनके शूटिंग मुंबई में ही सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का शेड्यूल 20 दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोर्सन बाकी था वो कंप्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था दनोला खान डिम्पल हयाती के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शाद कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्साद कामिल ने का। लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज चरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटिल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा विश्वाप को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकिनी ने मिंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शोकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मत्ता दीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोल आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की माँ का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी तो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाति का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टलमेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट का उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्रायंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक् कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है अनकनवेंसनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में में इस फिल्म जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोरिस्टिक नेचुरल ने, नजर आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैम्यू अपीरेंस देते स्पेशल अपीरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे अफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आ, आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग थी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सीमा बिश्वा आशीष वर्मा टिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भांटी झा विजय कुमार जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं उनकी नेचुरल रो परफॉर्मेंस फिल्म को और बेहतर बनाती है जो अनकन्वेंशनल प्लॉट था उसको और इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहे थे डायरेक्ट जिस तरह से सभी चीजों को नेरेट किया हुआ है उसमें जो धनुष फिल्म, फिल्म कर उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफी ज्यादा मजबूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नजर आएगा वहीं पर प्रोडक्शन हाउस काफी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इम्प्रेसिव वे में किए है फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म

दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे। इस फिल्म को जब पे के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते हैं। एक टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसी वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आई एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पर अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्टार ने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अतरंगी फिल्म विध इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सोनी मैक्स ने खरीदा हुआ है टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर तो हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहां पे दो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्ज़न में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे दु� अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फेंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नजर आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म कलर येल्लो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रब प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिशवा आशीष वर्मा डिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पातिगोला, गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु, जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुई एडिटिंग हेमल कोठारी ने की हुए म्यूजिक दिया हुआ ए आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर से बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर से सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न दो के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रेजी ने ये आइडिया है वो रांजणा फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजणा के बाद एक, बाद एक बार फिर आनंद एल रेजी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए करीबन थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिशिस्ट के तौर पर इसाद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एलराइजी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एलराइजी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उनसे बीच अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसीडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमेज के, के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का सीरियल 20 दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोषण बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनुष धनोसला खान डिम्पल के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शात कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्सात कामिल नहीं का। लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवा गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा विश्वाब को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगे आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकिनी ने मिंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शुकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मतादीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोल आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की मां का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी मारू मत्थो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाति का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टल मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्रायंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेट किया हुआ है अनकन्वेंसनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोवरिस्टिक नेचुरल ने, नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सजद अली खान के रोल में एक कैमियो अपीरेंस देते स्पेशल अपेरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेयरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन टोंटा कलर ग्रेडिंग

उनका आपको जरूर तुरंत कनेक्ट कर लेगा उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफी ज्यादा मजबूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नजर आएगा वहीं पर प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इंप्रेसिव वे में किए हुए फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म मजबूत है फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और नई नजर आई अनोखी है जिसको आप शायद लेटर एक्सेप्ट कर लोगे कुछ ऑडियंस को वो सभी चीज़ें थोड़ी खलेगी अदरवाइज परफॉर्मेंस शानदार है स्टोरी अच्छी है स्क्रीन प्ले बढ़िया है और ये सभी चीज़ें फिल्म जब रिलीज़ हुई सब भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी सराही थी जहाँ पे 24 दिसंबर 2021 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया हुआ था जिसके राइट्स डायरेक्टली ख़रीदे हुए थे डिजनी प्लस होस्ट ने जिसने काफ़ी करोड़ों रकम दे के इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ टी टी पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते हैं। एक टस की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसेस वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पर आएम डी पे भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्टार ने अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सेटेलाइट पर देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अतरंगी अतरंगीरे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में मैक्स वालों ने खरीदा हुआ है टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर यह फिल्म अतरंगी रे नाम के साथ मैक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से अतरंगी रे फिल्म आप सेटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे ये 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा, अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्जन में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नज़र आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल, एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिश्वा आशीष वर्मा डिंपल हयाती पंकज झा अशोक पाट अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर पार्थि गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुई एडिटिंग हेमल कोठारी ने की हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविजन के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रैजी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल रैजी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डे और सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर इर्सद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लीडिक, लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल राय जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमियो के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का, लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहाँ पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहाँ का शेड्यूल बीस दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोर्सन बाकी था वो कंप्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनोला खान डिम्पल हयातिक के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया थे आर रहमान जी और इर्शाद कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इर्साद कामिल ने का। लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवां गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फ़िल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा बिश्वाप को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगी आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकि ने मिंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शुकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ विजय कुमार ने मतादीन का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को की मां का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी तो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही डिम्पल हयाती का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टलमेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेट का ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्रायंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पे वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक् कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है अनकनवेंसनल प्लॉट तो जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोरिस्टिक नेचुरल नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पे अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैम्यू अपीरेंस देते स्पेशल अपेरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते फिल्म के ऊपर वो वाबिल तारीफ है फिल्म का वे अफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग

हुआ रहेगा उनका ओवरऑल आपको जरूर तुरंत कनेक्ट कर लेगा उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नज़र आएगा वहीं पे प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इम्प्रेसिव वे में की हुई फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटा सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म मजबूत है फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और नई नजर आएगी अनोखी है जिसको आप शायद लेटर एक्सेप्ट कर लोगे कुछ ऑडियंस को वो सभी चीज़ें थोड़ी खलेगी अदरवाइज परफॉर्मेंस शानदार है स्टोरी अच्छी है स्क्रीन प्ले बढ़िया है और ये सभी चीज़ें फिल्म जब रिलीज़ हुई सब भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी सराही थी जहाँ पे 24 दिसंबर 2021 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया हुआ था जिसके राइट्स डायरेक्टली ख़रीदे हुए थे डिजनी प्लस होस्ट आने जिसने काफ़ी करोड़ों रकम दे के इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ टी टी पर डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विश सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते एक टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस सॉलिड परफॉर्मेंसी वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आई एम डी बी पे भी फिल्म, इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्टार ने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अतरंगी अतरंगीरे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सोनी मैक्स वालों ने खरीदा हुआ है टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर ये फिल्म अतरंगी रे नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से अतरंगी रे फिल्म आप सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे ये 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्जन में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नज़र आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए हैं जो स्क्रीन प्ले वो आनंद एन आनंद एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा हुसन कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट प्लस ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिशवा आशीष वर्मा डिंपल हयाती पंकज झा अशोक अशोक पंतिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर भारती गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुए एडिटिंग हेमल कोठारी ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न दो के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल राय जी ने ये आइडिया है वो रांजणा फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजणा के बाद एक बार फिर आनंद एल राय जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर से। जहाँ पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फ़िल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए और सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर इरशाद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल जी ने बताया हुआ था जहां पे फनली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है रे जहां पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहां पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे एल एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमरे के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का शीड्यूल बीस दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोषण बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनोसला रि हारी खान डिम्पल के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शात कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को ईर्सात कामिल नहीं लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और ससा तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवा गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पे आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा विश्वाब को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगे आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदाकि ने मिंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शुकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मतादीन मत का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्लू का रोल दिया गया था भारती गोला आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु की माँ का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी पर आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाति का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के माँ के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टल मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट ये सभी केदार प्ले किए के हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्रायंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को आहिस्ता रिवील किया जाता है जो ट्विस्ट और टर्न के साथ डायरेक्ट हमें सभी चीज़ों को दिखाते वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें काफ़ी हुक्क कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है अनकनवेंसनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है और स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोरिस्टिक नेचुरल ने, नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैमियो अपीरेंस देते स्पेशल अपीरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते फिल्म के ऊपर वो काबिल तारीफ है फिल्म का वे इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आ, आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग थी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सीमा बिश्वा आशीष वर्मा टिम्पल हयाती पंकज झा अशोक भांटी ने विजय कुमार जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं उनकी नेचुरल रो परफॉर्मेंस फिल्म को और बेहतर बनाती है जो अनकन्वेंशनल प्लॉट था उसको और इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाने में कामयाब रहते हैं डायरेक्ट जिस तरह से सभी चीजों को नेरेट किया हुआ है उसमें जो धनुष अपना काम दिखाते वो पूरी फिल्म फिल्म खत्म होने के बाद भी धनुष का जो किरदार है आपको दिमाग में छपा हुआ रहेगा उनका वो रोल आपको जरूर तुरंत कनेक्ट कर लेगा उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नजर आएगा वहीं पर प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इम्प्रेसिव वे में किए हुई फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म मजबूत है फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और नई नजर आएगी, अनोखी है जिसको आप शायद लेटर एक्सेप्ट कर लोगे कुछ ऑडियंस को वो सभी चीज़ें थोड़ी खलेगी अदरवाइज परफॉर्मेंस शानदार है स्टोरी अच्छी है स्क्रीन प्ले बढ़िया है और ये सभी चीज़ें फिल्म जब रिलीज हुई सब भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी सराही थी जहाँ पर चौबीस दिसंबर दो को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया हुआ था जिसके राइट्स डायरेक्टली खरीदे हुए थे डिजनी प्लस होस्ट आने जिसने काफ़ी करोड़ों रकम दे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते एक टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसेस वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आई एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीबन पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्ट ने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अतरंगी फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में मैक्स वालों ने खरीदा हुआ है टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर अतरंगी रे नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से अतरंगी रे फिल्म आप सेटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो अतरंगी रे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ए पर्सन ऑफ एट कलर्स जहाँ पे ये 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अतरंगी रा, अतरंगी रे नाम दिया गया था वहीं पे तमिल वर्जन में गलाटा कल्याणम नाम दिया हुआ था जहाँ पे तमिल वर्जन में धनुष ने अपना वॉइस ओवर खुद किया हुआ था हिंदी वर्जन में भी उन्होंने ही अपना डबिंग किया हुआ था अदरवाइज दूसरे आर्टिस्ट ने जहाँ पे तमिल वर्जन में दूसरे अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया गया था इस फिल्म का जो रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है वो रेगुलर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे जिस तरह से जो एक ट्विस्ट के साथ सभी एंगल को दिखाया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है वो थोड़ा अनोखा नज़र आता है और उसी वजह से आनंद एल राय जी की ये फिल्म थोड़ी अनोखी फिल्म साबित होती है और पूरी तरह से टाइटल के साथ जस्टिफाई करती है अतरंगी रे जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट आनंद एल राय ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया हिमांशु शर्मा का था स्क्रिप्टिंग डायलॉग उन्होंने ही लिखे हुए जो स्क्रीन प्ले वो आनंद आनंद एल, एल राय जी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने टी सीरीज़ फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट प्लस होस्टन इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ओ ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज़ किया गया था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जिसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष जहाँ पे सीमा बिश्वा आशीष वर्मा डिंपल हयाती पंकज झा अशोक भाट अशोक पंथिया विजय कुमार अनिल ग्रोवर भारती गोला आनंद बाबू नित्या रविंद्रन जी मारीमुथु जया स्वामीनाथन गोपाल दत्त और नीलेष सिन्हा इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में पंकज कुमार ने सिनेमाटोग्राफी की हुई एडिटिंग हेमल कोठारी ने की हुए म्यूजिक दिया हुआ है आर रहमान ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और इस फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलेंगे दोनों वर्जन में जहाँ पे हिंदी मेन वर्ज़न है तमिल वर्जन में गानों को रिक्रिएट किया हुआ है अब हम बात कर ले इस फिल्म के एडिटर की तो हेमल कोठारी ने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है वैसे तो फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया हुआ था लेकिन थिएटर के प्लान के हिसाब से पहले फिल्म को बनाया गया था जिस वजह से सेंसर सर्टिफिकेशन लिया हुआ था लेकिन टेलीविज़न के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन लगता है तो यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के दौरान ही हिमांशु शर्मा ने इस स्क्रिप्ट को आनंद एल राय जी को सुनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के ऊपर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया था प्रॉपर वे में जीरो फिल्म 2018 में आनंद एल राय जी की आई हुई थी तब उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेते हुए इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ काम किया गया जहाँ पूरी तरह से स्क्रिप्ट करने के बाद आनंद एल रैजी ने ये आइडिया है वो रांजना फिल्म के एक्टर यानी कि धनुष को सुनाया गया जहाँ पे उनको ये आइडिया पसंद आया जहाँ पे उनको विशु का किरदार देने का उन्होंने फैसला लिया था और धनुष रांजना के बाद एक बार फिर आनंद एल जी के साथ अतरंगी रे में काम करने के लिए आए हुए करीबन थे करीबन छः सात सालों के बाद उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ फिर से कोलाब्रेशन किया हुआ था इस फिल्म को ऑफिशियली 30 जनवरी 2020 को अतरंगी रे टाइटल के साथ अनाउंस किया हुआ था जहां पे बताया गया था कि धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर से जहां पे अक्षय कुमार का कुछ जो किरदार है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा छोटा है अदरवाइज फिल्म की स्क्रीन प्ले उसको हिमांशु शर्मा ने ही लिखा हुआ था वहीं पे फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डॉल सॉन्ग्स के लिए आर रहमान को लिया गया था लिरिसिस्ट के तौर पर इर्साद कामिल ने ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल गानों को लिरिक्स लीडिक, लिरिक्स लिखे हुए थे और आनंद एल राय जी का ये सेकंड कोलेब्रेशन था ए आर रहमान हिमांशु और कामिल के साथ रांझना फिल्म के बाद वहीं पे इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको काफी क्लासिफाई करते हुए एक स्पेसिफिक जोनर के साथ आनंद एल राय जी ने बताया हुआ था जहाँ पे फनीली वियर्ड नाम का जो टाइटल मिला था इस फिल्म के रिगार्डिंग तो उसका मीनिंग होता है अतरंगीरे जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो बिहार मदुरई के बीच में सेट किया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में पहले तो वरुण धवन को लेने का फैसला लिया गया था जहाँ पे आलिया भट्ट कंसीडर की जा रही थी लेकिन उन सभी अफवाह को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने धनुष को ऑफिशियली लीड रोल के लिए कास्ट किया जहाँ पे अन एलराइजी ने उनके साथ जो स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई थी तब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आई जहाँ पे सिर्फ दस मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था उसके बाद सारा अली खान ऋतिक रोशन को भी कंसिडर किया जा रहा था जो अक्षय कुमार वाला किरदार है उसके लिए लेकिन बाद में अक्षय कुमार को फिक्स किया गया उससे पहले अजय देवगन को रोल ऑफर किया गया था एक्सटेंडेड कैमेज के, के लिए लेकिन जिस तरह से स्पेशल कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा इमेज चाहिए तो अजय देवगन के बाद फिर से अक्षय कुमार को साइन किया गया जहाँ पे डिंपल हयाती को एक का लुक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पे उन्होंने उसके थ्रू इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल धनुष के अगेंस्ट के प्रकाश किया उनके शूटिंग मुंबई में सेट की गई थी शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अस्सी नब्बे दिनों में फिल्म को कम्प्लीट किया हुआ था बिहार का शेड्यूल पहला शेड्यूल था उसके बाद फिल्म को मदुरई में पूरी तरह से शूट किया गया था मिड अप्रैल 2020 में उसके बाद फिल्म को पाँच मार्च 2020 में वाराणसी में भी शूट किया गया था जहां पे पहला फिल्म का जो शॉट है वो काशी रेलवे स्टेशन राजघाट का आपको देखने को मिलेगा वहां का शेड्यूल 20 दिनों का था उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म को रोका गया बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा बहुत पोर्सन बाकी था वो कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया उसके बाद थिएटर रिलीज के लिए फैसला लिया गया था दिल्ली मुंबई जैसे कई रियल लोकेशन में फिल्म को शूट किया गया था धनोला खान डिम्पल हयातिक के कुछ पाँच पंद्रह बीस दिनों का एक साथ में शेड्यूल था उसको मदुरई में शूट किया गया था बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से 29 मार्च 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो साउंड रेक है उसके ऊपर काम किया गया था आर रहमान जी और इर्शात कामिल ने मिलकर किया हुआ था जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग्स को इसाद कामिल ने का। लिरिक्स लिखे हुए पहला गाना था गर्दा जिसको गाया हुआ था दलेर मेहंदी जी ने दूसरा गाना था तुम में मोहब्बत है उसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तो तीसरा गाना तेरे संग तेरे रंग जिसको हरिचरण ने गाया हुआ था हरिचरण चरण से साधरे और श्रेया घोषाल ने रेज सरासी जिसको अरिजीत सिंह और सस् तिरुपति ने गाया हुआ था चकाचक वाले गाने को श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था लिटिल लिटिल को धनुष और हिरल विरिया विरड़िया ने गाया हुआ था वहीं पे छठा गाना था सातवा गाना था तूफान सी उसको राशिद अली ने गाया हुआ था और इन सभी वजन को तमिल वजन में भी रिक्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ये सभी गानों के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे तो वहीं पर आपको ये गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को जब रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे जो स्टार कास्ट है जहाँ पे धनुष है वो एस वेंकटेश विश्वनाथ यानी कि विश्व अयर का रोल प्ले कर रहे हैं सारा अली खान ने डबल रोल प्ले किया हुआ है रिंकू सूर्यवंशी अय्यर और मंजारी सूर्यवंशी खान का जहाँ पे अक्षय कुमार सज्जद अली खान के रोल में दिखाई देंगे सीमा बिश्वाप को दुल्हनिया के रोल में दिखाई देंगे आशीष वर्मा ने मधुसूदन एम एस का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पल हयाती को मंदा किनी मेंडी का रोल दिया गया है पंकज झा ने रिंकू मामा का रोल प्ले किया हुआ है शोकन भाटिया ने रिंकू के मामा का रोल प्ले किया हुआ है विजय कुमार ने मत्ता का रोल प्ले किया हुआ है अनिल ग्रोवर को डब्ल्यू का रोल दिया गया था भारती गोल आपको रिंकू के मामी के रोल में दिखाई देंगी आनंद बाबू आपको विशु के फादर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे नित्या रविंद्रन को विशु के माँ का रोल दिया हुआ था वहीं पे जी तो आपको मेंडी के फादर के रोल में दिखाई देंगे मेंडी वही टिम्पल हयाति का किरदार था इसके अलावा जया स्वामीनाथन मेंडी के मां के रोल में दिखाई देंगे गोपाल दत्त डिवोर्स लॉयर के रोल में दिखाई देंगे नीले सिन्हा आपको हॉस्टल मेट के रोल में दिखाई देंगे तो ये कुछ प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जहां पे इस फिल्म की कहानी काफी अतरंगी वे में दिखाई हुई थी पहले जिस तरह से ट्रेलर देखने को मिलता है जितना भी कंटेंट पता चलता है जिस तरह से फिल्म की कहानी स्क्रीन फिल्म दिखाई गई तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ट्राइंगल रेगुलर लव स्टोरी है लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चीजों को आहिस्ता रिविल किया जाता है जो ट्विस्ट और ट्रंस के साथ क्ट हमें सभी चीजों को दिखाते वहां पे वो हमें पूरी तरह से शौक कर देते फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो सभी चीजें काफ़ी हुक कर जाती है जहाँ पे फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज जिस तरह से डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को नेरिट किया हुआ है अनकनवेंसनल प्लॉट जिस तरह से दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से स्क्रीन प्ले में जो एक्सिक्यूशन देखने को मिलता है ओवर स्टोरी लाइन का वो अच्छा था इसके अलावा इस फिल्म की राइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी पंचीज भी देखने को मिलते कुछ काफ़ी शानदार किरदार देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी हर फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जो लोकेशन देखने को मिल रहे थे उसको अच्छी तरह से रिक्रिएट किया हुआ था साथ ही में प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जिस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह से एक्टर को तैयार किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से लीड कास्ट की परफॉर्मेंस थी वो चार चांद लगा रही थी सारा अली खान अपने किरदार को काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही थी उनके थ्रू ये कुछ पहला किरदार ऐसा है कि जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है आनंद एल राय जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके पास परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है धनुष जो विशु के किरदार में पूरी फिल्म में छाए हुए थे उनका ही एक ऐसा किरदार था जो पूरी फिल्म में काफ़ी रोरस्टिक नेचुरल ने, नज़र आ रहा था अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने फेसियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेंगे वहीं पर अक्षय कुमार सज्जत अली खान के रोल में एक कैम्यू अपीरेंस देते स्पेशल अपेरेंस लेकिन अपने स्पेशल अपेरेंस में जो इम्पेक्ट छोड़ के जाते हैं फिल्म के ऊपर वो वाबिल तारीफ है फिल्म का वे इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म में आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कलर टोन था कलर ग्रेडिंग

हुआ रहेगा उनका रोल आपको जरूर तुरंत कनेक्ट कर लेगा उनके साथ आप पूरी तरह से फिल्म में जुड़ जाओगे टेक्निकल मामले में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है जिस तरह से फिल्म को एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा दिखाया हुआ है उस हिसाब से फिल्म को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है वो काबिल तारीफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको टी सीरीज़ का जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता हुआ नज़र आएगा वहीं पे प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का काफ़ी शानदार था एडिटिंग हेमल कोठारी ने इम्प्रेसिव वे में की हुई फिल्म को सिर्फ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सत्रह मिनट की ही देखने को मिलेगी यानी कि क्रिस मैनर में एक अनकन्वेंशनल प्लॉट को इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है तो ओवरऑल टेक्निकल मामले में फिल्म मजबूत है फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और नई नजर आएगी, अनोखी है जिसको आप शायद लेटर एक्सेप्ट कर लोगे कुछ ऑडियंस को वो सभी चीज़ें थोड़ी खलेगी अदरवाइज परफॉर्मेंस शानदार है स्टोरी अच्छी है स्क्रीन प्ले बढ़िया है और ये सभी चीज़ें फिल्म जब रिलीज़ हुई सब भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी सराही थी जहाँ पे 24 दिसंबर 2021 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया हुआ था जिसके राइट्स डायरेक्टली ख़रीदे हुए थे डिजनी प्लस होस्टा ने जिसने काफ़ी करोड़ों रकम दे इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे इस फिल्म को जब ओ टी पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विश सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तब इस फिल्म का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया था वो काफी शानदार था जो डायरेक्शन म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टोरी आइडिया और जिस तरह से ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते हैं। एक टर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी सॉलिड परफॉर्मेंसी वो फिल्म को और बेहतर बनाती है जहाँ पे आई एम डी बी पे भी इस फिल्म को करीब पच्चीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें छः पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो काफ़ी शानदार रेटिंग फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे अतरंगी रे फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी तो इस फिल्म को डिजनी प्लस होस्टार ने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को अगर आप सेटेलाइट पर देखना चाहते हो तो वो देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अतरंगी अतरंगीरे फिल्म है उसको ओ पे आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अतरंगी अतरंगीर फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है गलाटा कल्याणम उसको भी डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सोनी मैक्स वालों ने खरीदा हुआ है टेलीविजन प्रीमियर के लिए तो टेलीविजन के ऊपर यह फिल्म अतरंगी रे नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से अतरंगी रे फिल्म आप सैटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में देख सकते हो तो बस गैस अतरंगी रे फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहां पर कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी कौन से वर्जन में उसकी डिटेलिंग दे दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट